कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत से ही मोदी सरकार का तेवर सख्त रहा है। वहीं बैंकों से कर्ज लेकर फरार होने वालों के खिलाफ भी मोदी सरकार की कार्रवाई जारी है। विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी व मेहुल चौकसी जैसे लोगों से निपटने के लिए मोदी सरकार तो उसकी सारी संपत्ति जब्त तो कर ही रही है, इसके अलावा उन्हें दबोच कर भारत लाने का भी सफल प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीएनबी ने बीते 5 महीने में जानबूझकर कर्ज अदा न करने वाले यानी लोन डिफॉल्टरों से 11,378 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं, जबकि इससे पहले 2017-18 में 5,618 और 2016-17 में 5,643 करोड़ रुपया वसूला। अखबार के मुताबिक बैंक ने फंसे हुए कर्ज वसूली के लिए खास तौर पर एक तंत्र विकसित किया है, इसमें 3,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। इससे बैंक के संचालन मुनाफे में भी वृद्धि हुई है। ये पिछले साल की तुलना में इस बार अप्रैल से जून के बीच 30.4% रहा है। गौरतलब है कि हीरे जवाहरात के कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चौकसी को पंजाब बैंक ने 14,357 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लेकिन ये दोनों इस कर्ज को चुकाए बिना देश छोड़ भाग गया। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब पीएनबी फंसे कर्ज को वसूलने की जुगत में लगा है। इन प्रयासों के तहत सबसे ज्यादा 3,081 करोड़ रुपए भूषण स्टील से वसूले गए हैं। ये कंपनी कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से टाटा समूह के हाथों बिक चुकी है। इसके बाद इलेक्ट्रो स्टील से 335 और मॉनेट इस्पात से 110 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। ऐसे ही कुछ अन्य लोन डिफॉल्टरों से भी बड़ी वसूली की गई है। खबर के मुताबिक ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहने वाली है।